तो आज की इस वीडियो में हम भारत के उस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कि हमारी नेवी इस्तेमाल करती है, जिससे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों की सबमरीन फ्लीट खौफ खाती है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम इंडियन नेवी के P8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंडियन नेवी का एक लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकनसेंस एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट के बारे में दो बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस एयरक्राफ्ट की खूबियों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को अब एक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी मिलने वाली है, जिसे कि भारत खुद डिवेलप कर रहा है। इंडिया की ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय मिसाइल के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारी इंडिजिनस सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इंडियन नेवी इन मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहती है। फिजिबिलिटी स्टडी में ये देखा जाएगा कि इन मिसाइल्स को इस एयरक्राफ्ट के साथ जोड़ना ठीक भी है या नहीं, और क्या इस काम को किया भी जा सकता है या नहीं। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का एक एयर लॉन्च्ड वेरियंट डिवेलप कर रही है, जो कि एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए बनाया जाएगा। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, और इसे एयरफोर्स और नेवल एयरक्राफ्ट दोनों में लगाया जाएगा। इंडियन नेवी को इसके साथ ही अब 4 और P8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकनसेंस एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, जिससे कि अब इंडियन नेवी की ये फ्लीट 18 एयरक्राफ्ट की हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिका ने हार्पून मिसाइल्स और टॉर्पीडो की सेल इंडिया के P8I एयरक्राफ्ट के लिए अप्रूव कर दी है। US की स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडिया के लिए दो डील्स को अप्रूव किया है, जिसमें हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल और लाइट वेट टॉर्पीडोस इंडिया को भेजे जाने हैं, जिनकी कीमत $155 मिलियन होगी। इस डील में इंडिया को 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स बेची जाएंगी, जिसकी रेंज 124 किलोमीटर है और इनकी कीमत तकरीबन $92 मिलियन होगी। इसके साथ ही इस डील में 60 Mk 54 ऑल अप राउंड लाइटवेट टॉर्पीडोस इंडिया को बेचे जाएंगे, और इसके साथ ही Mk 52 एक्सरसाइज टॉर्पीडोस भी बेचे जाएंगे, जिनकी कीमत $63 मिलियन होगी। तो चलिए अब इस एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्यों इस एयरक्राफ्ट से चाइना और पाकिस्तान की नेवी इतना डरती हैं। बोइंग का P8 पोसाइडन बोइंग मॉडल 737 नेक्स्ट जनरेशन एयरफ्रेम का एक मिलिट्री वेरिएंट है। इसे मैरिटाइम पेट्रोल, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनसेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर रोल्स के लिए डेवलप किया गया है। P8 एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन ओरिजिनल बोइंग 737-800 एयरलाइन के जैसा ही है, हालांकि बाकी के सभी फीचर्स इसके कमर्शियल बोइंग 737 एयरक्राफ्ट जैसे ही हैं, लेकिन P8 एयरक्राफ्ट में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज भी दी गई हैं, ताकि ये लंबे समय तक ऑपरेट कर सके। और इसके साथ ही इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स भी हैं, जिससे कि ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है और हार्पून मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। P8 एयरक्राफ्ट में 2 CFM इंटरनेशनल 56-7B सीरीज टर्बोफैन इंजन्स लगाए गए हैं। इसकी टॉप स्पीड 565 माइल्स पर आर की है, और इसकी सर्विस सीलिंग 41,000 फीट की है, और इसकी रेंज 1200 नॉटिकल माइल्स की है। इसे 9 लोगों का क्रू ऑपरेट करता है, जिसमें 2 पायलट्स होते हैं और 7 मिशन स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट मिलिट्री एम्यूनिशन भी कैरी कर सकता है। ये टॉर्पीडोज, क्रूज मिसाइल्स, बॉम्ब्स और नेवल माइंस को कैरी कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा वेपन बे है जिसमें ये सभी वेपन्स रखे जाते हैं, और इसी से इन सभी वेपन्स को लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में 6 एक्सटर्नल वेपन स्टेशंस हैं, जिसमें एम्यूनिशन और मिशन पॉड्स लगाए जा सकते हैं। और इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट एक पूरी तरह मल्टी मिशन परफॉर्मर एयरक्राफ्ट है। ये स्कैनिंग, ट्रैकिंग, आइडेंटिफिकेशन और एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज वाला एक पूरी तरह कंप्लीट बैटलफील्ड पैकेज एयरक्राफ्ट है। इसमें ब्रॉड एरिया मैरिटाइम सर्वेलेंस और अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स भी लगाए गए हैं, जिससे इस एयरक्राफ्ट की टेक्टिकल वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसमें एक मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर भी लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट में एक APY-10 रडार लगा हुआ है, जो कि सरफेस पर मौजूद शिप्स को डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकता है। और यहां तक कि ये रडार इतना पावरफुल है कि यह सबमरीन के पेरिस्कोप्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। ये एयरक्राफ्ट इतना पावरफुल है कि ये पोर्ट्स और सिटीज की लॉन्ग डिस्टेंस इमेजरी भी कर सकता है, यानी कि ये लंबी दूरी से ही सिटीज या पोर्ट्स के ऊपर नज़र रख सकता है, और ये जमीन के ऊपर या कोस्ट के ऊपर भी सर्वेलेंस कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट के नीचे जो टरेट लगाई गई है, वो एक शॉर्टर रेंज सर्च ऑप्शन है, जिसमें तकरीबन 7 सेंसर्स लगाए जाते हैं। इसमें एक इमेज इंटेंसिफायर, एक लेजर रेंज फाइंडर और इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं, जो कि इतने पावरफुल हैं कि ये सबमरीन से निकलने वाली हीट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं।
इन सेंसर्स को थोड़ी दूरी पर सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में ALQ-240 इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम लगा हुआ है, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर के तौर पर काम कर सकता है और ये रडार से निकलने वाली किरणों को भी ट्रैक कर सकता है। इसका एडवांस्ड एयरबोर्न सेंसर जमीन और पानी दोनों की 360 डिग्री स्कैन कर सकता है। इसमें इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर्स लगे हुए हैं, जिनके इस्तेमाल से ये बिना दुश्मन की नज़र में आए बहुत बड़े एरिया को मॉनिटर कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में अकोस्टिक सेंसर्स और हाइड्रोकार्बन सेंसर्स लगाए गए हैं, जो कि समरीन से निकलने वाले वेपर्स यानी कि धुएं को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में तकरीबन 7 ऑपरेटर कंसोल्स हैं, जो कि इस एयरक्राफ्ट में मौजूद 7 ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो कि इन ऑपरेटर्स को मिलने वाले डाटा को कंपाइल करता है और इन्हें बाकी के फोर्सेस यानी कि बाकी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को भी भेज देता है। ये एयरक्राफ्ट हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स, डेप्थ चार्जेस, Mach 54 टॉर्पीडोस और नेवल माइंस को कैरी कर सकता है, और इसके साथ ही ये अपने बचाव के लिए भी कुछ ऐसे काउंटरमेजर्स कर सकता है जिनमें लेजर और मेटेलिक चैफ काउंटरमेजर शामिल हैं, जिससे कि ये अपनी तरफ आने वाली मिसाइल्स को कन्फ्यूज कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में एक इतना अच्छा फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है कि जो इस एयरक्राफ्ट में अंदर लगने वाली आग को खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है और उसे खुद ब खुद बुझा भी देता है। तो दोस्तों, आप इसकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी से ये तो जान ही गए होंगे कि ये एयरक्राफ्ट कितना कैपेबल है और ये कितनी आसानी से सबमरीन को डिटेक्ट कर सकता है। और अगर एक बार एक सबमरीन का पता चल जाए तो उसे तबाह करना इतना मुश्किल नहीं होता। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम एक सबमरीन का पता लगाना होता है, इसीलिए इस सबमरीन को इतना स्टेल्थी कहा जाता है। और ये इतनी अच्छी कैपेबिलिटी के साथ आता है कि ये सबमरीन को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकता है, और एक बार अगर ये सबमरीन को डिटेक्ट कर ले तो ये अपनी मिसाइल्स और अपने एम्यूनिशन के इस्तेमाल से उन सबमरीन को तबाह भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।